रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि अगले 48 घंटों में इन राशि वालों की लगने वाली है लॉटरी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए जिस सामग्री की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वह होता है धन। जी हाँ, धन से ही हम अपने जीवन की सभी शुरुआती आवश्यकताओं, आराम और ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं। धन का महत्व आज के समय में ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से रहा है। धन के बिना न तो कोई यज्ञ होता है न ही कोई अनुष्ठान। जीवन निर्वाह धन के बिना नहीं हो सकता, और यही वजह है कि आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास पर्याप्त धन हो, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हमें धन का लाभ नहीं मिल पाता, तो वहीं कभी कभी हमें अचानक ही इतना लाभ प्राप्त हो जाता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं किए होते। और दोस्तों, ये सब होता है ग्रहों में होने वाले निरंतर बदलाव के कारण। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनका मुख्य कारण ग्रहों की चाल होता है। इसी चाल के कारण हम अपने जीवन में कई प्रकार के बदलाव देखते हैं। ज्योतिष की माने तो ग्रहों की चाल के कारण अगले 48 घंटों में ऐसा महासंयोग बन रहा है जिसकी वजह से कुछ राशि वालों पर माता लक्ष्मी जी की कृपा अब होने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 48 घंटों में शुक्र ग्रह खास स्थिति में विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अगले 48 घंटों में ही गज केसरी योग भी बनने वाला है। दोस्तों, यह दोनों संयोग एक बड़ा महासंयोग बना रही हैं जो कुछ राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव अब लेकर आने वाला है। तो आखिर यह राशियां कौन सी हैं, इन्हें क्या लाभ होगा, चलिए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली राशि है मेष राशि। बता दें कि इन राशि वालों का आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। जीवन के हर क्षेत्र में आपको इस दौरान कामयाबी मिलेगी। घर में आपके सुख शांति बनी रहेगी। पिता का सहयोग आपको मिलेगा। नए कार्य की शुरुआत करना भी आपके लिए शुभ होगा। इस दौरान समाज में आपको ख्याति प्राप्त होगी और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। बिगड़े हुए काम भी आसानी से बनने लगेंगे। अत्यधिक मेहनत कर सरकारी जॉब आपको मिल सकती है और घर परिवारजनों से आर्थिक व शारीरिक सहयोग भी आपको मिलेगा। आपके घर में सुख शांति आएगी। गरीबों एवं असहाय व्यक्तियों की सहायता आप करें। इन राशियों के लोगों की रुचि ज़्यादातर सामाजिक कार्यों में रहेगी। दोस्तों, अगली राशि है तुला राशि। बताना चाहेंगे कि अगले 48 घंटों में बन रहे महासंयोग से इस राशि वालों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इनके जीवन में अभी तक चल रही परेशानियों का अंत होगा। इस राशि के लोगों को बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होने वाला है और समाज में इनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। नौकरी में तरक्की के योग बन रही हैं। किस्मत बहुत ही तेज़ी के साथ आपकी बदलेगी। आपको व्यापार में धन लाभ होगा। कम परिश्रम में आपको धन की प्राप्ति होगी। धार्मिक कामों में लगेगा। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। आपको बता दें कि इस राशि वालों के लिए ये परिवर्तन बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। राजनीति के क्षेत्र में आपका झुकाव इस दौरान बढ़ सकता है। अपने जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध स्थापित आपका होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशी, सुकून और समृद्धि आएगी। कार्य व्यापार आपका बेहतर बना रहेगा। अनावश्यक मेहनत से आप बचें।
कोई बड़ा काम आप करेंगे जो आपका जीवन बदल देगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों की आय में इस दौरान वृद्धि और पदोन्नति के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ मिलेगा। परिजनों व सगे संबंधियों से भी आपके रिश्ते इस दौरान मधुर बने रहेंगे। दोस्तों, अगली राशि है मिथुन राशि। बता दें कि इन राशि वाले लोगों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी। किसी काम से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस देखकर बॉस आपसे खुश होंगे। आपको कोई बड़ा शुभ समाचार भी मिलेगा जिससे आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। किसी खास काम की भी आप तैयारी इस दौरान कर सकती हैं। दोस्तों, अगली राशि है वृषभ राशि। बता दें कि इस दौरान पिछले कार्यों के बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। मित्र से किसी काम में विशेष मदद मिलेगी। आपको अचानक कहीं से धन लाभ होगा। पुराने कर्जों को चुकाने में आप सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर अधिकारियों का पूर्ण सहयोग आपको मिल सकता है। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आपकी जीवन शैली में इस दौरान सुधार होने के योग हैं। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। व्यापार में उन्नति हो सकती है। दोस्तों, अगली राशि है मकर राशि। बता दें कि इस दौरान विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। व्यर्थ की बहसबाजी से आप दूर रहें तो बेहतर होगा। आप अपनी काबिलियत से इस दौरान समाज में अलग से पहचान बना पाएंगे। आपको नौकरी में लगातार सफलता हासिल होगी। पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपको आमदनी के अच्छे स्रोत हासिल होंगे। मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम में आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। दोस्तों, अगली और अंतिम राशि है कुंभ राशि। बता दें कि आपके नसीब में धन लाभ का समय काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इस समय कुछ ज़रूरी और बड़े काम निपटाने की आप प्लानिंग बनाएंगे। आपकी योजना या सलाह से दूसरों को भी फायदा होगा। इस महीने आपका सोशल सर्कल बढ़ सकता है। किसी योग्य और जानकार व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। आने वाले दिनों में बिजनेस करने वाले लोगों को बड़ा धन लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन आप जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें और शॉर्टकट लेने से भी आप बचें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दें। वीडियो को जितना उसके लाइक करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें। इसके साथ ही साथ आपकी राशि कौन सी है यह भी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि आपका कोई सवाल है तो वह भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकती हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।